88 पे 3 और 114 पे सारी टीम आउट। तो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो मतलब बड़ा मशहूर मतलब मीम भी बनी है डायलॉग, वो जैसे ही हॉस्टल के कमरे में घुसता संजय दत्त, तो वो सर्किट बोलता है अरशद वारसी, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हॉस्टल का कमरा जाहिर छोटा है, तो कहता है जी ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो ये वेस्ट इंडीज की बैटिंग शुरू होते ही खत्म हो गई है, और 88 पे 3 और 114 पे पूरी टीम की छुट्टी। कुलदीप यादव अकेला ही इनको खा जाएगा और पूरी सीरीज में यही होगा। और जडेजा 3, कुलदीप 4 और बाकी भी एक एक किसी के, जो खुशकिस्मत था उसके हिस्से में आ गई। तो न्याज बट रही है, प्रसाद बट रहा है, जितना जितना कोई ले सकते हो ले लो। तो आपसे दोस्तों पहले भी कहा था कि ये वेस्ट इंडीज का कोई जोड़ नहीं है टीम इंडिया के साथ। अभी टीम इंडिया अपनी वो जो इमर्जिंग एशिया कप वाली भेज देती टीम, तो वो भी इनको फेंट के आ जाती। ये नेचुरल है, जैसे कि इंडिया की सॉइल पर कहीं भी स्पिन जरूर मिलेगा आपको हल्का फुल्का। तो वो आपने देखा कि जब जडेजा आए तो इनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया, और सिमरन हिटमायर सबसे बड़ी गलती कर गए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो उसके लिए जो स्पिन हो रही थी वो झेलने वाली थी, बट वो पैडल शॉट आपको T20 मोड वनडे के 16वें ओवर में वो ये हरकत कर रहा है, उसकी टीम की 3 विकेटें गिरी हुई हैं। सो भाई आप ये बता दें क्या होगा, बट 114 रन की बेवजह की इनिंग्स में जो सबसे बड़ी खुशी मिली है ना लोगों को, वो विराट का ब्लाइंडर है, ब्लाइंडर विंटेज विराट। आज भी रिफ्लेक्सिस में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, चाहे वो हारिस रऊफ वाला छक्का देखें आप, चाहे आप कुछ और देखें, बट रिफ्लेक्सिस में आज भी विराट के, व्हेन इट कम्स टू फील्डिंग बैटिंग थ्रो, मतलब वो डेडिकेशन वो डिटर्मिनेशन। इसलिए मैं कहता हूं कि विराट कोहली जब भी क्रिकेट छोड़ेंगे वो अपनी फिटनेस पर नहीं छोड़ेंगे, बाहर है, यकीन माने के समझ से ही बाहर है। या तो वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ही बुरी हो चुकी हुई है कि उनको खेलना ही भूल चुका है, या तो इंडिया की टीम बहुत ज्यादा ही अच्छी हो चुकी हुई है, लेवल ही नहीं बन रहा। 114 पे ऑल आउट, हिस्ट्री का मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कोलैप्स हो गया ना वेस्ट इंडीज का कि 88 के ऊपर इनके 4 आउट थे, किसने सोचा था 114 के ऊपर ऑल आउट हो जाएंगे। ये वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी खासी थी इस वक्त, अगर आप देखिए इसके अंदर बड़े बड़े नाम मौजूद है, हिटमायर था, शाय होप था, रॉबन पावल था, ये वो बंदे जो बड़ा इन्होंने आईपीएल खेली हुई है, इन्होंने पूरी दुनिया तो टीम थी इस वक्त वेस्ट इंडीज। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया ये आपके सामने, मतलब कि 114 पे ऑल आउट हो गए। या माना कि मैं एक चीज बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इंडिया एक बड़ी अच्छी टीम के साथ खेल रहा है, इंडिया पूरी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, वो प्रॉपर अपने जैसे कहते हैं ना टीम के साथ जा रहे हैं, उन्होंने हर मैच में चेक चेक करना है किस बॉलर के साथ जा रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी तो फिक्स है, उनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स है, लेकिन उन्होंने अपने बॉलर्स को चेक करना है। लेकिन आप ये देखें कि स्पिनर्स आए हैं, उन्होंने क्या किया है, और स्पिनर्स को छोड़ो उनके फास्ट बॉलर ही पड़ गए थे, उसके बाद आपका जडेजा है, जडेजा ने विकेट लिए, फिर कुलदीप यादव ने उसको कीड़ी कर दी ना। इंडियन बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज की टीम को आप ये कह सकते हैं कि आज जो आप कच्चा खा दी है, आज खास करके कुलदीप यादव और जडेजा ने आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है ना उसको कच्चा खा के रख दी है। क्या कमाल की जो आप इंडिया की जनब से बॉलिंग देखने को मिली है, टॉस जीत के इंडिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडीज की टीम को टोटल 114 स्कोर पे ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज का शाई होप के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो स्कोर बनाने में नाकाम रहा, और इंडिया के स्पिन अटैक के सामने ऐसा लगा कि बिल्कुल जो है बैटिंग करना वेस्ट इंडीज की टीम भूल गई है, और ऐसा लगा कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम जो है ये वेस्ट इंडीज में नहीं खेल रही है, बल्कि ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया में खेल रही है और इंडिया के स्पिनर जो है वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया में छाए हुए हैं। इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मुकाबला जारी था, अब वो मुकाबला जो इख्तिताम पजीर हो गया है, और तकरीबन इंडिया ने इस मुकाबले को वन साइड जीत लिया, लेकिन थोड़ा सा भी था, हल्का सा थ्रिल जो है वो इंडिया को खुद मस्ती चढ़ी हुई थी, उन्होंने जान के जो है रोहित शर्मा ने इस मुकाबले को थ्रिल बनाया, क्योंकि ना विराट कोहली को भेज रहे थे ना खुद आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आप कह लें कि वरिड साइन जरूर है इंडिया के पास। हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए आपके, उसके बाद ठाकुर साहब भी आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं विकेटें तो इंडिया की गिरी है, मतलब इतने छोटे टारगेट पे। मुझे वो बहुत आसान था इंडिया के लिए कि अगर ये 12 से 13 ओवरों में टारगेट को चेस कर लेते, और बड़ा आसान था और ये नजर भी आ रहा था, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने अच्छा ये काम किया कि इन्होंने ये कहा कि वन साइडेड आसान से जीतने से बेहतर है कि थोड़ी सी गैम्बलिंग की जाए, थोड़ा सा थ्रिल लिया जाए, थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, क्योंकि इस तरह की स्लो विकेटें आपको इंडिया के भी कई वेन्यूज हैं, चेन्नई हो गया या और भी एक दो वेन्यूज हैं,
जहां, और क्योंकि वर्ल्ड कप इतना लंबा है और आप बार बार मैच खेलोगे, इवन कलकत्ता में भी आपको ऐसे विकेट मिलेंगी। कोटला जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल कल्ली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। बात करते हैं कल के मुकाबले की जो कि खेला गया था वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच पहला वनडे मुकाबला, जिसमें इंडिया ने बहुत ही आसानी से जीत अर्जित कर ली। पहला वनडे मुकाबला इंडिया ने तो 5 विकेट से जीत लिया, इंडिया ने 5 विकेट गंवा दिए थे, वो इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि 5 विकेट वो भी 114 रनों पे, वो भी वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने 5 विकेट गंवा दिए, वो भी स्पिन के सामने। स्पिन के खिलाफ दोस्तों इंडिया स्ट्रगल करता आ रहा है, चाहे आप देख लो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में हराया था, उसमें भी दोस्तों स्पिनरों ने इंडिया की कमर तोड़ दी थी। तो इंडियन बैट्समैनों को दोस्तों स्पिनर को अच्छे से खेलना होगा अगर वर्ल्ड कप इंडिया को जीतना है, तो पहले तो हमारे इंडियन बैटरों को स्पिनर को अच्छा डिफेंस करना होगा, अच्छी बॉलों को डिफेंस करना होगा, और तो इंडिया को अच्छी बॉलों को डिफेंस करना होगा, और जो ख़राब गेंद स्पिनर डालता है उस खराब गेंद पर या फिर चौका या फिर छक्का लगाना होगा, तभी दोस्तों इंडिया स्पिनर के खिलाफ अच्छा खेल पाएगा। और स्पिनर के खिलाफ अगर इंडिया स्ट्रगल करता रहा तो दोस्तों अफगानिस्तान जैसी टीम जिनके पास बहुत ही खतरनाक स्पिनर है, वो दोस्तों इंडिया को हरा सकते हैं। ये बात हम हमें भूलनी नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान के सामने खिलाफ खेलने पर दोस्तों जो अफगानिस्तान के पास जो स्पिनर है वो स्पिनर इंडिया की कमर तोड़ सकते हैं। और ये दोस्तों कल वेस्ट इंडीज जैसी टीम के स्पिनरों ने भी कर दिखाया, जो कि सिर्फ 2 स्पिनर थे और उनके पास इतना ज़्यादा बहुत अनुभव भी नहीं था, लेकिन दोस्तों उन्होंने इंडिया की 5 विकेट चटका दी, इसमें 4 विकेट दोस्तों स्पिनरों ने लिए और एक जो हार्दिक पांड्या का दोस्तों अनलकी रहे, जिनका दोस्तों रन आउट हो चुका, वो भी दोस्तों ईशान किशन का कैच था लेकिन उस स्पिनर ने उस कैच को नहीं ले पाया और बॉल हाथ से छूटकर वैसे ही डंडे पे लग गई स्टंप से और हार्दिक पांड्या दोस्तों रन आउट हो गए, वो एक अनलकी या फिर फनी मोमेंट बोल सकते हैं इस मैच का। और दोस्तों सबसे बड़ा फनी मोमेंट तो यही है कि इंडिया के 5 बैट्समैन आउट हो गए लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों में से एक भी दोस्तों खेलने नहीं आया, लेकिन आखिर में जब शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए तो फिर रोहित शर्मा को दोस्तों पैड पहनकर मैदान में उतरना पड़ा। और रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर दोस्तों पहले ही उतर जाते नंबर 1 या नंबर 3 पर तो दोस्तों इंडिया की 5 विकेट ना जा हो सकती, लेकिन इंडिया ने भी दोस्तों एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में पता भी तो चला कि हम स्पिनरों के सामने वीक है, बहुत ही ज़्यादा हमारी वीकनेस है। और सूर्य कुमार ने दोस्तों लगातार 4 गेंदों पर स्वीप लगाया, ऐसा कौन बल्लेबाज होता है कि दोस्तों लगातार 4 गेंदों पर चारों बार दोस्तों स्वीप लगाए, 1-2 गेंदों पर स्वीप लगा सकते, लेकिन सूर्य कुमार ने दोस्तों 3 से 4 गेंदों पर एक लगातार स्वीप लगाया और दोस्तों उसका नतीजा आपने देखा है, सूर्य कुमार जिस तरीके से LBW में आउट हो गए और ईशान किशन दोस्तों अकेला बल्लेबाज था इंडिया की तरफ से जिसने दोस्तों हाफ सेंचुरी लगाई और रनों में दोस्तों जीत में दोस्तों ईशान किशन का तकरीबन 80% योगदान तो दोस्तों ईशान किशन का है। और जिस तरीके से ईशान किशन ने खेला बहुत ही अच्छे से दोस्तों ईशान किशन ने लेकर चले इंडिया को दोस्तों, वो स्पिनर को भी ईशान किशन ने अच्छा खेला, बॉलरों को भी अच्छा अटैक किया, लेकिन वो भी शॉट जो जिस शॉट पर ईशान किशन आउट हुए वो शॉट भी दोस्तों अच्छा ही लगाया था, लेकिन इतना एलिवेशन नहीं मिला जिसकी बदौलत दोस्तों सीधा फील्डर के हाथ में गेंद चली गई, वरना तो ईशान किशन दोस्तों पूरे मैच में बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। उनके अलावा दोस्तों एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो कि दोस्तों अच्छा खेल सका, हो कोई भी नहीं, हार्दिक पांड्या का अच्छा खेल रहे थे लेकिन उनका हालांकि दोस्तों रन आउट हो गया। और अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की बॉलिंग की, तो बॉलिंग में तो दोस्तों इंडिया के खिलाफ कोई भी टीम नहीं टिक सकती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम दोस्तों इंडिया के सामने बॉलिंग में नहीं टिक सकती। और अब तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी रिटर्न करने वाले हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी दोस्तों, तभी तो इंडिया की बॉलिंग और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। और जिसमें दोस्तों युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन जैसे दिग्गज लेजेंड स्पिनर हो तो फिर कुछ बात ही अलग है दोस्तों। जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को दोस्तों कमबैक करवाया और सिर्फ दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम को 114 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसमें कुलदीप यादव ने दोस्तों 4 विकेट ली और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट ली, हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट ली, 1 विकेट शार्दुल ठाकुर ने ली और 1 विकेट मुकेश कुमार ने ली थी। दोस्तों इस तरह से दोस्तों इंडिया की स्पिन जोड़ी या फिर स्पिन अटैक ने बुरी तरह से वेस्ट इंडीज़ की कमर तोड़ दी। सहवाग जो दोस्तों लड़खड़ा कर खेल रहा था, जो कि उनको भी दोस्तों कुलदीप यादव ने रिवर्स स्वीप पर आउट कर दिया। कुलदीप यादव को तो दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पा रहे थे कि कुलदीप यादव किस तरीके से गेंद करेंगे, कैसी गेंद किस तरफ जाएंगी, उस तरफ जाएगी। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ बल्लेबाज पूरी तरह से होपलेस नज़र आ रहे थे, जिस तरीके से कुलदीप यादव और
रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे थे दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल जाएगी लेफ्ट या फिर राइट जाएगी। ऐसे में दोस्तों कुलदीप यादव 4 विकेट वो भी सिर्फ 3 ओवरों में, और रविंद्र जडेजा दोस्तों 5 ओवरों में 3 विकेट ले गए, और इसी के साथ इंडिया ने अपना पहली जीत दर्ज कर दी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।